नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट बुधवार दोपहर करीब 3 बजे डिलीट हो गया। यूट्यूब पर कांग्रेस के करीब 20 लाख सब्सक्राइबर थे। कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी का यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ है। बिहार में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। गुरुवार को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को लेकर सीबीआई की टीम बैंक पहुंची है, जहां उनके लॉकर की जांच की जा रही है। इसके अलावा एमएलसी सुनील सिंह का स्टेट बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया में भी लॉकर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत करीब 4,79,000 ट्रांसजेंडरों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसका इस्तेमाल वे देश में कहीं भी कर सकते हैं। बिहार में बीते दिन बुधवार को आरजेडी के कई नेताओं के यहाँ सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला बयान आया है। आरजेडी नेताओं पर लगातार सीबीआई की ओर से हो रही रेड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी नौकरियों के आकांक्षी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा शुरू की है, और अब उन्हें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय हर बार बुनियादी ब्यौरा नहीं भरना पड़ेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को ओटीआर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सभापति की कुर्सी जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के पास गई, तो वहीं दूसरी तरफ उपसभापति की कुर्सी रामचंद्र पूर्वे के पास गई है। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति बने हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे सदन की तारीफ से उनका अभिनंदन किया है। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव का 15 दिनों से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव आज कुछ देर के लिए होश में आए। राजू श्रीवास्तव के दोस्त अनु अवस्थी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, राजू भैया को होश आ गया, आपकी दुआएं काम आ गई। बुधवार को सदन में नीतीश कुमार की ओर से बच्चा शब्द बोले जाने पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार का आत्मबल गिर गया है, उनका जमीर खत्म हो गया है, उनकी विश्वसनीयता जनता में खत्म हो चुकी है। हर बात में कहते हैं सबको कि बच्चा हो, तो आप बच्चे के चाचा है। मेट्रो के उद्घाटन के समय बच्चा ने तो अभी चाचा का हाथ पकड़ा है, अब चाचा के गला पकड़ने की बारी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर जिंगा इंडिया की सहायता से आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, यह गेम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को स्वीकार कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की श्रृंखला में से एक है। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक हो रहे सीबीआई की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करके भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के 3 दामाद है, सीबीआई, आईटी और ईडी। जो इनके खिलाफ जाता है तो इन जांच एजेंसियों के जरिए भाजपा उन्हें डराती है। दिल्ली में आप विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के अन्य विधायकों के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, निश सिसोदिया के खिलाफ एक फर्जी एफआईआर दर्ज की गई थी और सीबीआई ने उनके आवास पर 12 घंटे तक छापा मारा था, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को संदेश भेजकर आप और अरविंद केजरीवाल को छोड़ने को कहा। इन दिनों चीन ताइवान के बीच चरम पर पहुंची तनातनी और चीन के द्वारा अपनाई जा रही अमेरिका के विरुद्ध की रणनीति के कारण चीन पर वैश्विक निवर्ता में कमी के बीच वैश्विक आपूर्ति के नए मौके का परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई देश आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के संबंध स्थापित कर रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव के विचार विमर्श को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को गुजरात दंगों के पीड़िता बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग की और कहा कि 2002 के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 11 लोगों की रिहाई पर सरकार ने चुप्पी साधकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर मिलन कुमार चौले ने महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में पर्यटकों की संख्या सीमित करने की जरूरत को रेखांकित किया है, ताकि वहां के चित्रों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार महासीर मछली के उत्पादन और संवर्धन को समृद्ध बनाने के लिए नर्मदापुरम जिले में लगभग 2 करोड़ की लागत का हैचरी संस्थान बनाने जा रहा है। बता दें कि महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कहलाती है और इसके बावजूद भी राज्य में महासीर के बीच उत्पादन का कोई सेंटर मौजूद नहीं है।
भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान और उनके परिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर बुरा बर्ताव का सामना करना पड़ा। इरफान पठान ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरी कंफर्म टिकट में विस्तारा ने हेर फेर कर दिया, जिसके बाद मुझे समाधान के लिए 1.5 घंटे खड़े रहना पड़ा। मेरे साथ पत्नी, 1 8 महीने और 1 5 साल का बच्चा भी था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और चुनौती देने वाली याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालय के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। बता दें कि ICC ने इस मैच के लिए 4000 और टिकट उन लोगों के लिए जारी किए हैं जो खड़े होकर मैच का मजा लेना चाहते हैं। इन टिकट की कीमत 30 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 1670 रुपए है। 21 अगस्त को राजौरी के नौसेरा के झंगर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय सेना के द्वारा पकड़े गए एक आतंकवादी तबारक हुसैन ने कहा कि उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल द्वारा आत्मघाती मिशन पर भेजा गया था। साथ ही भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी कर्नल यूनुस द्वारा 30,000 रुपए दिए गए थे और उन्होंने भारतीय सेना को 2 या 3 चौकियों की रेखी की थी। इस साल जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि फिरोजपुर SSP कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए PM की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ताकि कदम उठाए जा सके। कनाडा के विश्वविद्यालयों में नामांकित कॉलेज के छात्र परमिट की प्रक्रिया में देरी के कारण शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा के अधिकारियों से इन समस्याओं पर गौर करने को कहा है और साथ ही भारत के छात्रों के लिए वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने का अनुरोध किया है। नौसेना ने गुरुवार बताया कि भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों की इस सुपर लीग में शामिल हो गया है जो 40,000 टन से ज्यादा वजनी एयरक्राफ्ट करियर की डिजाइन एवं उनका निर्माण करते हैं। बता दें कि देश का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत 2 सितंबर को नेवी में शामिल हो जाएगा और इसे ISS विक्रांत में महिला अधिकारी एवं महिला अग्निवीर सेलर्स के लिए एयरक्राफ्ट में पर्याप्त जगह होगी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा है, जिसके बाद गंगा किनारे के कई तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। तमाम सड़कें और रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार खुद फील्ड पर उतरकर हालात का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाली ड्रोन कंपनी गरुड़ एयरस्पेस भारतीय सेना को अपनी विशेषज्ञ सेवा मुहैया कराएगी। कंपनी सेना को यह सेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने, उन्हें रोकने और बाधित करने के लिए देगी। कंपनी ने हाल ही में $250 मिलियन के मूल्यांकन पर अपनी $30 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग हासिल की है। BMW इंडिया ने गुरुवार को अपनी X7 SUV को 50,000 M एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि कंपनी इस स्पेशल मॉडल की सिर्फ 10 यूनिट से लेकर आएगी। इससे पहले जर्मन निर्माता कंपनी ने 6 सीरीज और M4 कंपटीशन कूप का 50,000 M एडिशन लॉन्च किया था। सितंबर के पहले सप्ताह में कोची में एक कार्यक्रम में INS विक्रांत नौसेना में शामिल किया जाएगा। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत ने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। बता दें कि इसके कल पुर्जे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। BJP ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को UP BJP का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी UP के जाट समाज से आते हैं। बता दें कि पश्चिमी UP में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी अब स्वतंत्र देव सिंह की जगह ले सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की खबर सुर्खियों में है। झारखंड CMO की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग या फिर राज्यपाल से इस संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उनके विधायक के तौर पर सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है। चुनिंदा बाल कहानियों के लिए क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल ने चुना है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। बता दें कि यह पुस्तक पंजाबी भाषा में भी अनुवादित हो चुकी है। साहित्य अकादमी सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने बुधवार को कहा कि बाल साहित्य पुरस्कार के लिए विभिन्न भाषाओं के 22 लेखकों का चयन किया गया है।
ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल गुरुवार को महिला एकल प्री क्वार्टर फाइनल में कड़ी चुनौती पेश करने के बाद बुसानन ओमग्रा फाइनल से हारकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। 32 साल की भारतीय स्टार खिलाड़ी को थाईलैंड का प्रतिद्वंदी से 17-21, 21-16 और 13-21 से हार मिली। वहीं ध्रुव कपिल और MR अर्जुन और सात्विक साराइस रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में पहुंची है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है करण सिंह मेहरा, रवि शंकर, अशोक कुमार प्रजापति, रघुनाथ प्रसाद, नुनू कुमार, सवाहित निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी नौकरियों के आकांक्षी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा शुरू की है, तो आपके अनुसार इस सुविधा से अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलेगी? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।